अपडेट में मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा और चलिए बुलेटिन की शुरुआत सबसे अहम खबर के साथ। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र से, जहां विधानसभा के बजट सत्र का आज तीसरा दिन है। पीडब्ल्यूडी वन राजस्व विभाग से जुड़े सवालों पर आज सदन गरमाएगा। सीएम विष्णुदेव साय मंत्री केदार कश्यप पत्रों को पटल पर रखेंगे। बीजेपी विधायक राजेश मूणत कोल परिवहन पर ध्यान आकर्षण लाएंगे। विधायक द्वारकाधीश यादव टेकल गुड़म में नक्सल मुठभेड़ पर ध्यान आकर्षण लाएंगे। राज्यपाल के अभिभाषण पर कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव में आज चर्चा होगी। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र का आज तीसरा दिन है। उप मुख्यमंत्री और लोक निर्माण विभाग मंत्री अरुण साव, वन मंत्री केदार कश्यप, राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा अपने अपने विभागों से जुड़े प्रश्नों का जवाब देंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और सहकारिता मंत्री केदार कश्यप पत्रों को सदन के पटल पर रखेंगे। वहीं ध्यान आकर्षण आपको बता देते हैं कौन कौन सा ध्यान आकर्षण होने वाला है। वरिष्ठ विधायक राजेश मूणत कोल परिवहन उससे संबंधित परमिट को लेकर सीएम साय का ध्यान आकर्षण करवाएंगे। विधायक द्वारकाधीश यादव टेकल गुड़म में नक्सल मुठभेड़ में तीन जवानों के शहीद होने पर सीएम का ध्यान आकर्षित करेंगे। वहीं राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन के अभिभाषण प्रस्ताव पर अजय चंद्राकर चर्चा भी करेंगे। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का तीसरा दिन है, कई ध्यान आकर्षण है। वहीं आपको बता दें कई प्रश्नों का जवाब भी आज दिया जाएगा। तो तीसरे दिन आज उप मुख्यमंत्री लोक निर्माण विभाग मंत्री अरुण साव, वन मंत्री केदार कश्यप, राजस्व मंत्री अपने अपने विभागों से जुड़े प्रश्नों का जवाब देंगे। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे विशेष संवाददाता गौरव शर्मा, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। गौरव, तीसरा दिन है विधानसभा के बजट सत्र का, कितने ध्यान आकर्षण और क्या कुछ रहेगा आज खास? छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का आज तीसरा दिन है। आज पीडब्ल्यूडी वन राजस्व विभाग से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे। कई मुद्दे ऐसे हैं जिस पर सदन की कार्रवाई जो है वो गर्मा गर्म होती नजर आएगी। पीडब्ल्यूडी से जुड़े खासतौर पर सड़कों के निर्माण से जुड़े ऐसे मामले जिन पर सवाल लगाए गए हैं। विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष के सदस्यों ने भी बड़ी संख्या में सवाल लगाए। वन और राजस्व विभाग के भी सवाल काफी बड़े पैमाने पर लगाए गए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और मंत्री केदार कश्यप विभिन्न पत्रों को पटल पर रखेंगे। ध्यानाकर्षण की अगर बात की जाए तो बीजेपी विधायक राजेश मूणत कोल परिवहन और परमिट के विषय में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाएंगे। इस पर निश्चित रूप से सदन की कार्यवाही में जो तीखी बहस है, जो गर्मा गर्म है वो देखने मिलेगी। इस तरह से विधायक द्वारकाधीश यादव ने टेकलगुड़े में नक्सल मुठभेड़ पर ध्यानाकर्षण लाया। आज राज्यपाल के अभिभाषण पर कृतज्ञता प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत भी की जाएगी। इस दौरान राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर और राज्य सरकार के विजन को लेकर, कार्य प्रणाली को लेकर भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में तीखी बहस के सहारे कुल मिलाकर आज विधानसभा के बजट सत्र का तीसरा दिन भी जो है काफी हंगामेदार रहने वाला है। तो बिल्कुल काफी हंगामेदार स्थितियां आज बनने वाली हैं। गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र का तीसरा दिन है। वहीं आपको बता दें वन मंत्री केदार कश्यप, राजस्व मंत्री अपने अपने विभागों से जुड़े प्रश्नों का जवाब देंगे और सहकारिता मंत्री भी पत्रों को सदन के पटल पर रखेंगे।